कहाँ थी अब किसके कहने पे आई हो? कौन से फ्रेंड के? कौन से फ्रेंड थी? मुझे पता चला आप लोग मेरे को झूठ के पकड़ रहे हो, गलत कर रहे हो ना आप मेरे साथ। एफआईआर करिए सर। हम नहीं जानते पहचानने से इनकार कर रही है। 16 साल की लड़की है, जान बुझ के बहकाया गया है और इसमें बड़े लोग शामिल है। इसकी मेडिकल टेस्ट होनी चाहिए और जितनी भी लड़कियां हैं सबकी मेडिकल टेस्ट होनी चाहिए। देखिए 16 साल की लड़की, 16, अरे यहाँ का एक पार्षद था, वो भी था इन्वॉल्व्ड है। साइलेंट रहो एकदम तुम। नहीं साइलेंट रहेंगे, गलत है। कोई नहीं मुझे बताया, कोई मुझे नहीं बताया। चलो चलो अभी आप एक स्क्रीन पर आप वीडियो देखे उस लड़की, वही लड़की है सीतामढ़ी से आई है, उसके पिताजी बॉम्बे में काम करते हैं, पिताजी और भाई बॉम्बे में काम करते हैं, उसके माइंड को इस तरह से वॉश किया गया है कि अपने पिता और भाई को पहचानने से इनकार कर रही है। हो सकता है 6 लड़कियां सामने, इस लड़की को लेकर के 6 लड़कियां सामने है। हम अभी श्री कृष्णापुरी थाना में और 6 लड़कियां इसी थाने के अंदर बंद है, हड़ताली मोड़ चौक के पास, देवरानी जेठानी दुकान के पास, वहाँ से लड़की को बरामद किया गया है और संभावना व्यक्त ये किया जा सकता है इस लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। लड़की क्यों मार रही है वो लड़की? कब से लग पता था आपकी लड़की? शुक्रवार को 8 बजे। अच्छा, शुक्रवार को 8 बजे वहाँ से सीतामढ़ी। मैं भाई हुआ, लड़की का भाई हूँ जी, मैं भाई है। क्या हुआ पूरा मामला बताइए। देखिए पूरा मामला यही है कि मेरी सिस्टर को सीतामढ़ी में लोग से जान पहचान हुई। कौन लोग? यही लड़की लोग जो है जो सीतामढ़ी में रहती थी, पढ़ाई करती थी, माने कि मेरा भी सिस्टर वहीं पे पढ़ाई करती थी और उसी क्रम में इन लोग का परिचित हुआ। तो परिचित होने के बाद ये लड़की लोग पटना में आके शिफ्ट हो गई, तो मेरे सिस्टर को किसी न किसी फोन कॉल के द्वारा वहाँ पे इनको कॉन्टेक्ट करके पटना बुलाया गया। पटना बुलाया गया कि उसको ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए, और यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे पता चला बाद में कि मेरे घर से जेवर उवर सब जाके भूती में बनकी रख, माने कि उसको गिरवी रख के वहाँ से भी पैसा उठा ली हुई है, और एक बड़ी वाली सिस्टर है उनका भी मोबाइल लेके चली आई हुई है। यहाँ पे मोबाइल वाइल सब लेके आने के बाद इसका मोबाइल लेके स्विच ऑफ करके, इनके साथ जो लड़की है वो मोबाइल स्विच ऑफ करके रखी हुई है, और इसके बाद हमको लड़की से बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। एक बार यहाँ से रिकवर करने के बाद दूसरा बार जब यहाँ हम आए हैं तो यहाँ के पार्षद जो है जो हम लोग के साथ मान के धमकी उमकी मारने की धमकी उमकी दे रहे थे। नाम है क्या वो ब्लू कलर के गाड़ी से रणधीर जो नाम है वही आए हुए थे, तो पुलिस को भी धक्का मुक्की किए, गर्दन दबोचे हुए थे जो ड्राइवर थे उनको। क्या लगता है इन लड़कियों ने आपकी बच्चियों को क्यों लाया यहाँ नौकरी के नाम पर? यहाँ पे लाया गया, देखिए साथ में माने बट यही है कि वहाँ पे साथ में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई के माध्यम से यहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया। बुलाने के बाद यहाँ पे कहा गया कि उनको हम जॉब दिलाएंगे ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए,
यहाँ पे काम के सिलसिले में बुलाने के बाद वहाँ से पापा से पैसा मंगा रहे थे, जो पैसा खर्च होते थे तो फ़ोन करते थे, लोकेशन नहीं देती थी, तो हम लोग उस जहाँ पे पैसा पे फ़ोन किए थे लड़कियाँ मंगवाती थी पैसा मंगवाती थी वहाँ पे बच्ची मांगती जी, मेरी बच्ची मानी की सिस्टर मांगती थी पापा से, तो वहाँ से पैसा भेजा गया, मात्र इसको 500 रुपया भेजा गया, जो चाट की दुकान है वहाँ पे बगल में देवर जेठानी के पास चाट की दुकान है, वहाँ पर पैसा भेजा गया चाट की दुकान में 500 रुपया। उसी चाट की दुकान के माध्यम से हम लोग वहाँ पे पहुँचे। इनके बाद वो जो उसमें एक लड़की है, क्या नाम है उनका, माही नाम है, कुछ नाम है उनके, उनका भी अकाउंट नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किया कि बोले कि भैया इस पे 1500 रुपया डाल दीजिए। मतलब तो आपने जो पैसे भेजे थे उसी पैसे के भेजे हुए के मार्फत आप खोजते खोजते जी जी उसी पैसा को खोज पैसा जहाँ पे हम डाले थे जिस चाट के दुकान पर, उसी चाट के दुकान के माध्यम से वहाँ तक हम पहुँचे। फिर कैसे लड़कियों तक पहुँचे अपनी बच्ची? लड़की को हम लोग वहाँ पर रात को हम लोग सीतामढ़ी से लक्ष्मी से निकले हैं, और रात को हम सुबह हम 6-7 बजे करीब में हम लोग सीता पटना में हम लोग पहुँचे। इसको माने गेट के बाहर ये लोग 9:02 पर ये लोग सो के उठी है। पढ़ाई करने वाली लड़की को इतना देर तक नहीं माने की उठ सकती है। क्या लगता है कि बच्चियों को गलत राह पे ढकेलने का? हाँ, ये लोग वही रहा है कि बच्ची को दलदल में फंसाने की ये लोग साजिश रच रही है, इसलिए बच्ची को हम लोग को से रिकवर करना है। बच्ची को मान के चलिए कि बच्ची को अगर अच्छा रास्ता पर आता तो कम से कम उनके पेरेंट्स से तो कम से कम बात करने तो देती, बात भी नहीं करने दे रही, उसका मोबाइल छीन लिया हुआ है लोग। आप लोगों ने कुल कितनी बच्चियों को रिकवर किया? अभी यहाँ पे हम लोग 5 लड़की को, नबी यादव है, और 3-4 लड़की और है, एक इसमें जो सबसे छोटी सी लड़की है जो इसका ही मेन फ्रेंड वही थी। आपके घर से कुल कितनी बच्चियाँ चली थी? क्या आपके घर से कुल कितनी बच्ची गया? एक बच्ची है, छोटी है, लड़की है, छोटी बच्ची है, उसका नेहा कुमारी नाम है। लगाइए तो पिताजी को लगाइए।